Nikki Paddy. इसलिए किया है मेरा चेला, मतलब हम भीख मांगने का काम करते हैं। मेरा चेला गया ट्रेन में तो उसका नाम का नकली किन्नर है, जो किन्नर के भेष में रह रहा है। वो कम से कम 3 साल से रह रहा है शहर के अंदर। उन्हें मेरे चेले को ट्रेन में से निकाल के बाल पकड़ के मच्छी बाजार में चक्कू घोप के चले गया। मैं कोटवाली गई भगते हुए स्कूल के, तो उन लोगों ने कोई हमारी कोई सुने नहीं। उसके बाद में फिर मैंने कहा उनसे क्या बात है, फिर मैं डबल आई तो मुस्कान बोलती मैं 1 लाख रुपया देती हूँ पुलिस वालों को, कोटवाली को। तो मैंने कहा ठीक है मैं जा रही हूँ और जाती हूँ, देखती हूँ क्या होता है। तो उसके बाद में मेरे चेले को कहा कि बोले इसको तब जान से मार डालेंगे। फिर मैं गई, फिर उन लोगों ने कच्ची रिपोर्ट बनाया, इसका मेडिकल करवाया हॉस्पिटल में। मेडिकल करवाने के बाद में क्या कहा, वहां से आए तो फिर आप इस मेरे को खुद को स्वयं कहा कि बोले आप नकली किन्नर हो। अच्छा, ये अगर कार्रवाई नहीं करते तो आप क्या करेंगे? मैं अपने आप में जान में हत्या, अपने आप में आत्महत्या करूंगी और उसके जिम्मेदार कोटवाली रहेगा। आपस में दो किन्नरों का है, ये वसूली ट्रेन में करते हैं, उस पे से इनका विवाद है। और ये रिपोर्ट लेके आए वो किन्नर के खिलाफ लिखाने के लिए, इनकी रिपोर्ट लिखी गई है और मुलायजा भी कराया गया है। ये बबली है किसमें किन्नर, और इसमें मुस्कान है, इसका दोनों का विवाद है, आपस में विवाद है। ये दो ग्रुप है बताया, थाने में रिपोर्ट करने के लिए आए, इनकी रिपोर्ट लिखी गई है, मारपीट की रिपोर्ट बताई, मारपीट की रिपोर्ट लिखकर मुलायजा कराया गया है।